हेलो माय डियर, डिकी कोचिंग राजेश टू में आपका फिर एक बार वेलकम है। आज हम क्लास 10th और 12th वालों को जिसको कोऑर्डिनेट नहीं आता मैथ में, आज हम मैथ सिखाने का प्रयास करते हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं दूरी। क्या सिखाते हैं? दूरी। दूरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, DISTANCE। देखिए, डिस्टेंट को डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डी इक्वल, देखिए, रूट में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप याद लर्न करेंगे, आपको दूरी निकालना आ जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ट्रिक हैं, वो हम आपको बता देते हैं। अगर कहीं आपको मूल बिंदु कहता है, क्या कहता है? मूल बिंदु, तो आपको क्या लेना? बिंदु जो है वो 0 0 लेना है। देखिए, एक पॉइंट आपको पहले याद कर लीजिए कि कहीं कोई बिंदु अगर आपको ये लेने के मिले तो आपको 0 0 लेना है, ठीक। अब देखिए, हम आपको सवाल फटाफट बताते हैं, आपको तरंतर पता है, आपको सवाल आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरह मिलेगा कि यक्ष, देखिए, -3,2, ठीक है, और रहेगा 5,-4 का दूरी निकालिए। का क्या करेंगे? का दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये दूरी आपको निकालना, का दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी निकालिए, जो भी लिख लीजिए क्वेश्चन, दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, इसको देखिए, आपको क्या मानना है? यक्स वन। इसको क्या मानना है? वाई वन। इसको क्या मानना है? यक्स टू। इसको क्या मानना है? देखिए, वाई टू, ठीक है। अब इसी तरह मान के इस सूत्र में रखिए, दूरी के सूत्र में डी बराबर रूट में, देखिए क्या रखना है, इस सूत्र लिख लीजिए, यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस तरह रखेंगे तो यक्स टू का मान देखिए कितना है? 5। तो रूट में लिखिए आप इस तरह 5 5। यक्स वन का मान कितना? -3। देखिए, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए, प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी है? देखिए, वाई टू -4 है, तो -4 लिख लीजिए। फिर देखिए, वाई वन की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो -2 लिख लीजिए स्क्वायर, ठीक है। जोड़ दीजिए, 5 3 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 6 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करिए, 8 64 प्लस 6 6 36। देखिए, 64 36 कितना हो गया? 100 हो गया। देखिए, आपको दिखाई दे रहा नीचे तक? चलिए ठीक है, अगर दिखाई दे रहा तो ठीक है। देखिए, इधर इधर तक लगा देते हैं आपको, ताकि आपको आ जाए। देखिए, तो डी बराबर 100 हो गया। देखिए, 100 को करेंगे 10 × 10 हो जाएगा, तो डी बराबर आपको कितना हो जाएगा? 10 मात्रक। देखिए, ये आ गया, क्या आ गया? ये तो आपकी दूरी कितनी आ गई? डी बराबर आपकी, देखिए, 10 मात्रक आ गया। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह हम आपको, देखिए, आज आज दूरी सिखाते हैं, हो सके मध्यबिंदु भी सिखा देते हैं, मध्य सिखा देते हैं, केंद्रक सिखा देते हैं, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतनी क्वालिटी में कई चीजें सिखाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सीखते जाइए। आपको ये मत सोचिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आपका मन अगर खाली नहीं, कोई बात ही नहीं है, पर आप सीखिए। चलिए, इसको बिठा देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इसकी जो ट्रिक है, वो ट्रिक को अगर आप समझेंगे तो आपको आपको हमेशा आ जाएगा। कोई भी सवाल अगर आपको दे रहा है, मान लीजिए आपको सवाल इस तरह आ जा रहा है, सपोज दैट कि देखिए, एक तो पहले पॉइंट ये कि आप जान जाएगा, कोई भी मात्रक आपको दे रहा है, जैसे -4 7 या 3 या -5, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि वो आप सीख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का अगर मान देते, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इतने लिख दिया आपको, चलिए कम लिख, देखिए -3 4 क्या हुआ? 2,-5। देखिए, इस तरह का अगर आपको दे रहा है तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसे डाल लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये
क्या है, ये x2 है, ये क्या है y2 है। बस इसी तरह करके इसी सूत्र में आप रखेंगे, आपको पक्का आ जाएगा। लेकिन पांच पांच क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। पांच पांच क्वेश्चन आप इसी तरह लगाइए तो आपको जरूर आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर एक आपको दे देते हैं। देखिए आप लोग लगाइएगा, माइनस पांच तीन और क्या है माइनस दुई माइनस आठ। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दुई, माइनस आठ माइनस नौ माइनस तीन कहा जीरो। दो तीसरा देखिए, माइनस चार कहा नौ, फिर क्या है माइनस नौ कहा बारह, ठीक। चौथा देखिए, अगर मान लीजिए आपका जोड़ा बनने पुकड़े बुले नहीं आते, एलसीएम लिख निकाल लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन पूछे। पांच चार कामा माइनस वन कामा वन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, माइनस छह कामा छह, ठीक, माइनस नौ कामा सात। देखिए पांच क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हमको बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। चलिए अब दूरी को दूसरे तरीके, मूल बिंदु के पदों में ज्ञात करके दिखाते हैं आपको, जा रहे। चलिए देखिए, चलिए देखिए, मान लीजिए आपकी दूरी जो है किसमें दे रही है, मान लीजिए कह रहा है कि क्वेश्चन जो आपको इस तरह देगा, माइनस दुई कामा पांच पर मूल बिंदु से दूरी, क्या कह दिया, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। इस तरह का आपको क्वेश्चन दे रहा, देखिए यहाँ एक ही दिया एक नहीं दिया, यहाँ मूल बिंदु दिया है तो आप क्या करेंगे, हल में इस तरह लिखे लगाएंगे। देखिए तो आसान है, आप डरिएगा मत, माइनस दुई कामा पांच उतार लिए, आपको मूल बिंदु यहाँ दिया जीरो कामा जीरो उतार लीजिए, ठीक, कि नहीं समझ में आया, आप इस तरह कर लीजिएगा जीरो कामा जीरो। अब इसका मान रखिए, देखिए फिर हमने आपको बताया था यहाँ आपको क्या रखना है, देखिए यक्स वन क्या है यक्स वन, ये क्या है वाई वन, ये क्या है यक्स टू, ये क्या है y2, ओके। अब देखिए इसको क्या करना, इसको मान रखी हुई दूसरे सूत्र में d बराबर रूट में, तो देखिए फटाफट, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके हो गया। देखिए मान रखिए d बराबर रूट में x2 कितना है जीरो, जीरो माइनस कितना है x1 का मान माइनस दो, तो प्लस दो का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जीरो, y1 कितना है माइनस पांच का होल स्क्वायर। तो d बराबर देखिए जीरो में दो जोड़ेंगे दो ही हो जाएगा, दो को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं समझ जाएगा, प्लस ये देखिए पांच का करेंगे पचास पच्चीस, तो पच्चीस चार कितना हो गया डी बराबर देखिए रूट में उनतीस, उनतीस मात्रक आ गया, कितना मात्रक आ गया उनतीस मात्रक, देखिए निकल गया मूल बिंदु से दूरी, ओके आया नहीं आया, चलिए दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको सवाल दे दो प्रैक्टिस के लिए, आप लगा लेंगे, चलिए भी डाल रहे हैं, चलिए तो क्वेश्चन देने लगा लीजिए, बस एक यहाँ खाली आप देंगे तो सब रहेगा, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस तीन कामा पांच पर, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बताइए माइनस तीन कामा पांच पर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए माइनस नौ कामा पांच पर मूल बिंदु से दूरी, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए ये देखिए दूसरा हो गया, दूसरा चलिए बिटा रहे हैं, चलिए देखिए तीसरा, देखिए तीसरा जाएगा चार कामा माइनस नौ पर मूल बिंदु से दूरी, चलिए तीन हो गया। क्वेश्चन आप बढ़ाते जाइए, हम जब बार बढ़ाते लिख लेंगे आपको सेट कर, खाली एक चीज बता जाता है, बताओ कुछ नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन पाइए, चौथा क्वेश्चन है माइनस बारह कामा तेरह पर मूल बिंदु से दूरी, चलिए चार हो गया, हो गया। चलिए पांचवा पाइए, चलिए पांचवा है क्या माइनस बारह कामा वन पर मूल बिंदु से दूरी,
तो ये पांच क्वेश्चन इस पे भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, एक लगाएंगे आपको पांच, पांच आप करेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। चलिए इसका तीसरा टाइप क्वेश्चन बताते हैं, अब देखिए इसकी तीसरी टाइप क्वेश्चन बताते हैं। जैसे इस तरह कहा जाए बताए, चलिए यदि देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दिखाई दे रहा, यदि दो कामा देखिए कितना रहेगा माइनस दुई कामा तीन, तीन पर क्या हो गया देखिए दो कामा यक्स ठीक है में से दूरी दस दस मीटर हो, मीटर हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है दूरी, तो आप ये देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, तीसरी टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको जरूर आएगा। नहीं दिखाई दे रहा, देगा या देगा सब ठीक देगा हाँ, चलो पढ़ा देते हैं। देखिए यदि माइनस दुई कामा तीन पर दो कामा यक्स में दूरी दस मीटर हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं दूरी जो डी का मान वो दे दिया है, तो आप सोचते देखिए डी बराबर रूट में यक्स, तो देखिए इस तरह सवाल आए तो इस सवाल को थोड़ा सा चेंजिंग करिए तभी आप डी लगा दीजिए, यहाँ डी स्क्वायर कर दीजिए और इसको इस तरह कर दीजिए यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए दूरी आपका देखें डी दस दिया है, ये दस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यक्स टू की वैल्यू देखिए कितना है आप बताएंगे, देखिए हमने आपको बताया ना इसको यक्स वन मानिए इसको वाई वन मानिए इसको यक्स टू मानिए इसको वाई टू मानिए, तो यक्स टू आपकी कितना है दो, फिर यक्स वन आपका कितना है माइनस, देखिए माइनस दो होती है प्लस दो हो जाएगा ठीक है स्क्वायर, प्लस वाई टू कितना है यक्स है वाई वन कितना है माइनस तीन का होल स्क्वायर है। ये देखिए थोड़ा टफ है, थोड़ा संभाल के देखिएगा तभी आपको आएगा अन्यथा आपको नहीं आएगा। ओके चलिए ठीक है, अगर आपको आ रहा तो सही बात है। चलिए तो करते हैं करते हैं दर तहाँ में सौ बराबर एक दूगी दो दो चार, चार का स्क्वायर प्लस इसको तोड़ सो तोड़िए यक्स स्क्वायर प्लस तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ माइनस तीन दूना छः, तीन तीन दूनी छः माइनस छः, देखिए ए माइनस बी की होल स्क्वायर को तोड़ दिया गया है, ये सौ चार चौक सोलह प्लस यक्स स्क्वायर प्लस नौ माइनस छः यक्स ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सोलह नौ में जोड़ दीजिए पच्चीस हो गया, हंड्रेड माइनस पच्चीस बराबर यक्स स्क्वायर माइनस सिक्स यक्स, ये हो गया आपका पचहत्तर हो गया, पचहत्तर बराबर यक्स स्क्वायर माइनस सिक्स यक्स। देखिए अगर आपको फैक्टर अगर आता रहेगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अगर फैक्टर आपको नहीं आ रहा है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए क्या करते हैं इसको आगे ले जाइए, यक्स स्क्वायर माइनस सिक्स यक्स हो गया, ये पिंचर है माइनस सेवेंटी फाइव बराबर जीरो। अब इसको फैक्टर करिए, फैक्टर कैसा करिए जोड़ने घटाने गुणा भाग का सिक्स यक्स आए तब आपका लगेगा, अदरवाइज आपका नहीं लग पाएगा। गुणनखंड आता कि नहीं आप लोगों को सबको, पचहत्तर को तोड़िए ये तो छः है कोई है तो है एकदम इस तरह का बताइए कि नहीं आ रहा है आपको। देखिए इसका एक और बता दें आपको, देखिए अगर आप लोगों का गुणनखंड नहीं है तो ऐसे भी लगा दीजिए, देखिए यहाँ लगा देते हैं आपको, देखिए सेवेंटी फाइव बराबर देखिए इसमें कॉमन लीजिए यस कॉमन लेंगे यक्स माइनस सिक्स, इसको आगे इसको पीछे करिए यक्स माइनस देखिए इसको कह दीजिए अगर फैक्टर तो आता है
तो फैक्टर कह लीजिएगा, अगर फैक्टर मतलब फैक्टर में गुणनखंड, अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो गुणनखंड का वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे, तभी आप आपको आएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे लीजिए तो पीछे कर लीजिए, x x माइनस सिक्स बराबर 75, ठीक है। अब देखिए एक एक बार इसके साथ ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 75। देखिए एक आंसर हो गया, इसको दो भाग में से कर दीजिएगा, x माइनस सिक्स बराबर 75। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75 प्लस 6 हो जाएगा, तो x बराबर 75 6 कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गई आपकी, 75.81। देखिए दो वैल्यू आएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए दो वैल्यू आपकी आएगी, यानी x बराबर जो बिंदु आपका आएगा वो 75 और 81 आएगा। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमने आधार के, हमने तो ऐसे ही लगा दिया, आपको कोई मान तो नहीं लिखा होता है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दी, थोड़ा आपको आसान लगे। देखिए तो आपको आ गया हो तो आपको जो बुक में से मिलेगा उसके माध्यम से, हम तो अपने मन से सवाल रख कैसे लगा दे रहे हैं, आप बुक के माध्यम से सवाल लगाइएगा, ओके। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, प्रैक्टिस करी करिएगा, जैसे आपको भी थोड़ा मिटा दें, आ गया, चलिए ठीक है। चलिए देखिए मान बात आपको अपलोड पढ़ के दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस ये तीन मान आपको रखना हटाना होगा, तो तीन ले लीजिए। देखिए 5-5.4 पर y.3 में दूरी 5 मीटर हो, तो यहाँ देखिए y का मान निकालिए, क्योंकि y तो y का मान ज्ञात कीजिए, बस इसी तरह आप निकालिए, ओके। इसी तरह देखिए दो तीन क्वेश्चन लिखे थे, आप लोग पढ़ते निकाले, सब निकाल देंगे। -4.6 3.x में जो दूरी आपकी कितना दे रहे हैं, दूरी जो है कितना, 12 मीटर हो तो यस का मान कितना देंगे, यहाँ जो रहे उसी का मान निकालना है, यस का मान ज्ञात कीजिए, ओके। ये दो हो गया। तीसरा देखिए, -4.6 इधर हो जाएगा 7.-9 में दूरी आपकी कितनी दिया भैया, देखिए दूरी आपकी 10, तो इसमें सॉरी एक गलत हो गया, इसमें इसमें आप देखिए इसमें y डाल दीजिए, y तो यहाँ पर y का मान ज्ञात कीजिएगा, 3 देखिए 4 पे देखिए 5 पे देखिए, देखिए 6 क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, यहाँ पर 2.1-1 उसके बाद क्या है, -3.x जो आपकी दूरी रहेगी, देखिए वो आपका रहेगी 7, तो आप निकाल लीजिएगा यस का मान, देखिए यस का मान 4-6 -3 आपकी दूरी जो रहेगी वो कितनी दूरी रहेगी, आपकी दूरी मान लीजिए 9 मान लीजिए, तो यहाँ m का मान निकालिएगा, -9.1 इधर रहेगा, -y.0 इधर रहेगा 6, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, ओके। देखिए वीडियो को बहुत नहीं बड़ा करना है, आप लोग ऐसे ही लगा कर प्रैक्टिस करिए, अगर आप नहीं समझ रहा है आप लगाइए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करके मन करना था मत करिए, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं है, आप देख रहे हैं इससे अच्छा कोई नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, गुड नाइट।